अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। सो हमने जो है मकर संक्रांति 2022 का द फर्स्ट जो फेस्टिवल है गुजरात का, वो बहुत ही खूब अच्छे तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। और हम जो है वो छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढते हैं और इसी को ज़िंदगी मानते हैं। बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स नहीं है हमारी, जो है अभी है और इस पल को एन्जॉय करना चाहिए। तो हमने जो है वो वन बाय वन एक एक के घर पे जाके इस तरीके से जो है तिल पापड़ी एंड मकर संक्रांति के जो लड्डू होते हैं वो सबकी प्रिपरेशन जो है वो हम लोग कर रहे थे सब साथ में मिलके। तो मेरे घर तो 3-4 दिन पहले ही हो चुका था और आपको पता है बीच में मैं जैसे बीमार हो चुकी थी, तो मकर संक्रांति से 2 दिन पहले मैं ठीक हो चुकी थी। और फिर जो है हमने ये मेरी फ्रेंड जो है उसके घर पे ये मैं बना रही थी और उसने शूट किया है ये कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो जी हाँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कुकिंग आता है तो मैं हेल्प कर देती हूँ और हम सब साथ में मिलके बनाते हैं तो बहुत मज़ा आती है। और इसमें आपको जो वो हमारे जो 3 दिन है उसके कुछ कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने ऐड करी है, तो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने तिल की पापड़ी बना दी थी और सिंग सेक के रखी थी, सिंग पापड़ी हमने बनाई थी साथ में। इसके अलावा जो है वो कुरमुरे के जो लड्डू हैं, गुजरात में कहे तो ममरे के लड्डू, वो बनाए थे। तो ये जो है गुड़ को अच्छे से हमने मैंने चेक किया कि वो हुआ है कि नहीं, वो नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, एंड सेकेंड टाइम में वो अच्छे से हो चुका था, पक चुका था प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने सिंग डाल दी इस तरीके से और बहुत से स्पीडी ये प्रोसेस होती है। आप सब जो लेडीज़ बनाती हैं उन्हें पता है कि ये बहुत ही स्पीडी प्रोसेस है और बहुत स्पीड से ये करना होता है। तो बुलबुल ने तो हथियार डाल दिए थे, बोले शर्मा तुम ही करो, और फिर मैंने ही ये जो है आप देख रहे हैं इस टाइप से पापड़ी बनाई थी, तिल की चिकी बेसिकली और सिंग चिकी। तो इसे खींचना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसे बहुत ही गर्म होता है ये और अच्छे से खींचना पड़ता है। तो मेरे घर तो मैंने 4-5 दिन, जैसे मैं बीमार हुई इससे पहले ही मैं और बुलबुल हम दोनों ने मिलके बना ली थी। और फिर बुलबुल के घर पे ही, आप बुलबुल का घर है यहाँ पे, हम लोग साथ में बना रहे थे तो इसका शूट हमने किया था। ये जो है वो उत्तरायण के 2 दिन पहले का है। तो हमने बहुत अच्छे से सारी प्रिपरेशन कर ली थी उत्तरायण के लिए। और उत्तरायण के दिन हम लोग मॉर्निंग में इस तरीके से नाश्ता करने गए बाहर, और पता नहीं रफ़ी की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई उस दिन और वो बिल्कुल उस दिन ही सेलिब्रेट नहीं कर पाए, मेन डे ही नहीं सेलिब्रेट कर पाए। मॉर्निंग हमने अच्छे से एंजॉय किया, नाश्ता वगैरह ये वो। जब भी इनकी छुट्टी होती है हम लोग मॉर्निंग में वॉक पे निकल जाते हैं और सुबह सुबह का नाश्ता, ऐसे अगर आप गुजराती हैं तो आपको पता है कि गुजरात का जो नाश्ता होता है, गांठिया, सेव खमनी और पात्रा भजिया, ये सब कुछ जो है वो मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी उत्तरायण आप सबको। और हम आ चुके हैं सुबह सुबह ही छत पे, सुबह तो नहीं, मोस्टली 12 बज चुके हैं यहाँ पे, पर हम लोग छत पे आ चुके हैं और हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा था इतने टाइम से वो सब डन हो चुका है। सब लोग मॉर्निंग से चढ़ चुके थे 10 बजे से और हम थोड़ा सा लेट हो गए 12 बजे। और गुजरात में उत्तरायण कैसी होती है ये सब आप सब अब जानेंगे। तो देखिए आगे व्लॉग कैसा बनता है। नाकाम कोशिश। और क्या लाए मैडम आप? लड्डू, गुड़ के। और जेंट्स मंडली में एक मिसिंग है, कहाँ है आपके एक पार्टनर? बीमार है। बीमार है। अपन ये वाली उड़ाएंगे। ओके। स्पाइडरमैन। तू उड़ा लेगी बाय द वे। गुजराती स्पाइडरमैन। वो देखिए गुजराती स्पाइडरमैन। आपने तो नहीं मना बोला ना कि मेरी परमिशन के बिना ऊपर आना मत। ऐसा लगता है क्यों माने ऐसे? अच्छा वो शाविज है, नहीं आ सकते हीना की परमिशन के बगैर। है हीना, तेरी परमिशन के बगैर शाविज भाई नहीं आ सकते ऊपर? खाना कौन बनाएगा?
आप लोग आप लोग सब जेंट्स मंडली खाना बनाएंगे, घटिया पतंगे लाएंगे लोग। तुझे आती है किन्नर बांधने? चले बैठ जा अभी, तू चुपचाप और सारी पतंगों को तू बांध ले। बुलबुल की पतंग चक गई भाई। हाँ बुलबुल वो बोलो। ओहो रफीक भाई, रफीक भाई आते तो फिर लगा दोगे, डांस करने के लिए भी तो चाहिए। रफीक भाई के जाके नीचे हालचाल तो पूछो क्या है। श्रीवल्ली वाला गाना। सो इस टाइप से सब कपल पिक्स ले रहे थे और रफीक नहीं थे तो मैं सबके बस व्लॉग्स बना रही थी, उनको मिस कर रही थी ऑब्वियसली। और फिर बहुत सारी मस्ती चल रही थी टेरेस पे, लपेट लपेट की आवाज़ें, और बहुत एंजॉय किया हमने फर्स्ट डे। मॉर्निंग 12 बजे से हम लोग चढ़ चुके थे टेरेस पे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सब साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हर पल बहुत अच्छी। पता ही नहीं। और उस दिन जो है हमने ट्रेडिशनल उंधियो और पूरी जो है वो बनाया था। पूरी हमने घर में बना ली थी और बाहर से हमने उंधियो जो है वो ऑर्डर कर लिया था। सब लोग साथ में बुलबुल के ही घर पे हम लोग खाना खा रहे थे और साथ में बैठ के खाना खाना बहुत अलग फीलिंग है, सबके साथ में बैठ के एंजॉय करना। और हम सब जो है मोर देन अ फैमिली है, फ्रेंड्स जो हैं वो फ्रेंडशिप अपनी जगह पर है लेकिन हम लोग मोर देन फैमिली है, ये हकीकत है। और देखिए आप इस तरीके से, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली पतंग चगाना नहीं आता है और ये लोग सब मुझे बस चढ़ा के देते थे और मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए स्टाइल कर लेती थी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। और पतंग चगाना सबसे बेहतरीन जो है वो हमारे ग्रुप में बुलबुल को आता है। और ये देखिए द फेमस पुष्पा का स्टेप। मैं और रुमा वो सॉन्ग बज रहा था और मैं एम सो सॉरी, मैं आपको सॉन्ग्स नहीं यहाँ पे बता पाऊँगी। और ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आ गई कि पूछा हाल शहर का तो सिर झुका के बोले लोग तो जिंदा है ज़मीरों का पता नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन टेरेस से। और सेकेंड डे जो है वो हमारे जनाब रेडी हो चुके थे बिल्कुल फिट। और आपने सेकेंड डे का व्लॉग देखा है ऑलरेडी मेरा, जो मेरा 10K का सेलिब्रेशन इन्होंने सरप्राइज़ दिया था। और ये बच्चों के साथ स्टाइल करते हुए रफीक, बच्चों को बहुत मज़ा आती है उनके साथ। और हम भी थोड़ा सा उस दिन ट्रेडिशनल रेडी हुए थे तो झूम लिए, झूमर भी साथ में। और फिर हमने जो है उसके बाद रात को बारबेक्यू पार्टी जो की टेरेस पे और बहुत मज़ा आया बारबेक्यू पार्टी का। डीजे लगाया था लाइट म्यूज़िक में और लाइटिंग्स हमने थोड़ी सी कर ली थी डिस्को जैसी हर चारों तरफ टेरेस के। और सब लोग डांस कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, बहुत मज़ा आया।
ये जो है रफ़ीक को डांस बहुत पसंद है और बच्चों को उनके साथ बहुत मज़ा आता है और कहीं भी हो हम लोग कहीं भी डांस करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं तो हंसते गाते यही ये दिन गुजर जाते हैं हमारे और हम एक मतलब पार्टी ख़त्म होती है हम लोग प्लान करते हैं अच्छा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या करेंगे तो यस हम ऐसे ही छोटे छोटे पलों में ज़िंदगी ढूंढते हैं और साथ में हमने उस दिन बहुत एंजॉय किया लेट तक हम लोग बैठे और बारबेक्यू किया और फिर बहुत एंजॉय किया तो ये कुछ पिक्स हैं जो आप देख रहे हैं और फर्स्ट डे सेकेंड डे और थर्ड डे के सेकेंड डे का तो आपने अगर व्लॉग नहीं देखा है मेरा तो वो ज़रूर जाके देखिए उसमें मेरा 10K का सेलिब्रेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है वो भी और ये खूबसूरत से फ़ोटोज़ जो है मैंने मेमोरीज़ एज अ मेमोरीज़ आपके साथ शेयर की है होप आप सबको पसंद आए और आप मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मैं बीच बीच में शॉपिंग वीडियोस मेरा बेसिकली मैं बनाती हूँ लेकिन बीच बीच में मैं ऐसे फैमिली व्लॉग्स भी डाल देती हूँ ताकि आप एक की एक चीज़ें देख के बोर ना हो जाएं कुछ अलग डिफरेंट भी अंदर ऐड हो जाए मेरे व्लॉग्स में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी और शमाज़ वर्ल्ड इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए।